एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। योगी सरकार से मानदेय की उम्मीद हमारी कम से कम 18,000 की थी, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि सरकार के तरफ से अभी इतनी व्यवस्था नहीं, और नोटिसों के बावजूद वो हमेशा हर नोटिस को लेने से उन्होंने इनकार किया है। चूँकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के नाते और मैं संगठन की अध्यक्ष होने के नाते मुझे डेट निर्धारित करते हुए सम्मेलन में घोषणा किया जाएगा, इसलिए हम चुनाव आचार संहिता से पहले तक इस उनके कहे हुए बातों को अमल करते हुए किसी भी आंदोलन का बहिष्कार करते हैं। किसी भी तरह का हम आंदोलन नहीं करेंगे। अगर चुनाव आचार संहिता से पहले उनका अगर नहीं घोषणा हो जाता, वो घोषणा नहीं करते हैं, तब मजबूर होकर के हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ वैसी स्थिति में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेगी। लेकिन ये चुनाव अगर वो ऐसा मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करते हैं तब तक की स्थिति में हम सब लोग अभी उनकी घोषणा की प्रतीक्षा करेंगे, और अगर घोषणा वो कर देते हैं तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ पुनः उनको ताकत देने का काम करेंगे, धन्यवाद देंगे और सरकार बनाने में भी मदद करने का काम कर सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए और अल्प मानदेय के लिए निरंतर संघर्ष करता चला आ रहा है, और इस संघर्ष में लगभग कई बार धरना प्रदर्शन हुए, और धरना प्रदर्शन इतना बृहद स्तर पर हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार हमारी मांगों को मानने पर मजबूर हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम सभी पदाधिकारियों को बुलाकर उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, और सुनने के बाद उसको संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया, जो उनकी अपनी विभागीय कई विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बहुत अल्प है, वाकई में इनका मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए जिससे जीविकोपार्जन भी अच्छे से हो सके। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 और 7 जून को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में विभागीय अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, और उस उपस्थिति के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ये निर्णय लिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, संभवतः 8,000 और 10,000 के बीच मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी, और इस बढ़ोतरी जो होगी वो 1 अप्रैल से लागू होगी। और सदन में भी उन्होंने इसका बयान दिया है विपक्षियों के समक्ष कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बहुत शीघ्र ही बढ़ाए जाएंगे, और इसके लिए अनुपूरक बजट की भी व्यवस्था कर दी गई है। उसके बावजूद भी अभी कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हमारी थोड़ी सी दुविधा में है कि ये घोषणा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा संगठन इस शंके में है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से घोषणा क्यों नहीं हुई। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसे वो व्यक्त नहीं कर सकते, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव से पहले ही आचार संहिता से पहले वो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, और एक सम्मेलन के माध्यम से घोषणा करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और सहायिकाएँ बहनें उपस्थित होंगी।